नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। नेपाल विमान हादसे का शिकार 5 गाजीपुर के निवासी, मरने से पहले देखा मौत का मंजर। भारत यूपी गाजीपुर के युवकों के मौत की खौफनाक वीडियो वायरल। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद बताते हुए दिवंगत युवकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि दी। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दें। सीएम योगी मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन रविवार को हुए नेपाल विमान हादसे का शिकार हुए भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर जिले के निवासी 5 युवक बरेसर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 बरेसर व 1 नोनहरा थाना क्षेत्र का युवक है। शेष बरेसर थाना के अलावलपुर व जहुराबाद के चक जैनब गांव के युवक हैं। सूचना के मुताबिक नेपाल विमान हादसे में 5 भारतीय युवक गाजीपुर जनपद के बरेसर व नोनहरा थाना क्षेत्र के अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा जो नोनहरा थाना क्षेत्र के, विशाल शर्मा, संजय जायसवाल, सोनू जायसवाल बरेसर व नोनहरा थाना क्षेत्र के युवक की मौत हो गई। ये सभी अलावलपुर व जहुराबाद के चक जैनब गाँव के युवक थे। ये वही 5 भारतीय विमान यात्री हैं जिनकी नेपाल विमान हादसे में मौत हो गई। गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र के अलावलपुर व जहुराबाद के चक जैनब गाँव के 5 युवक एक साथ नेपाल घूमने गए थे, जहां अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, संजय जायसवाल, सोनू जायसवाल ये सभी नेपाल के काठमांडू से विमान द्वारा नेपाल के पोखरा जा रहे थे, जहाँ विमान हादसे में 5 भारतीय गाजीपुर के युवकों की मौत हो गई। रोज बरोज हवा में उड़ान भरने व आकाश गंगा में सफर कराने वाले पायलट को भी नहीं पता होगा कि आज मकर संक्रांति का पर्व हमारे जिंदगी का आखिरी पल होगा और पलक झपकते ही मौत की खौफनाक मंजर मरने से पहले देखना भी पड़ेगा। ठीक ऐसा ही खौफनाक दृश्य पायलट सहित 72 विमान यात्रियों के साथ हुआ। नेपाल में विमान हादसे की खबर सुनते 5 युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। इस हृदय विदारक हादसे की जानकारी होते एक बार की कोई यकीन नहीं करता, लेकिन सच्चाई जानते ही हर कोई उस शोकाकुल परिवार के घर पहुंच परिवारों को ढाढ़स भरता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही इस घटना की जानकारी दोनों गांवों के परिवारों को हुई, सभी के होश उड़ गए। किसी ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि एक पल में 5 घरों के चिराग बुझ जाएंगे। वहीं 5 युवकों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, शीतल निर्विघ्न।